किया जा रहा है। इनमें सामान रखने के बाद में पूरा एकदम टेप मारे पैक कर दिया जाएगा। कुछ नाम तो बोलो। ये स्पेशल गिफ्ट है बहुत ज्यादा। तो गाइस मुझे करना है रूम शिफ्ट लखनऊ से दूर, इसलिए मैं लेके आया हूँ ये गत्ते। इनमें रूम शिफ्ट किया जाएगा की बार। ये भी इन्हें मैं बनाऊंगा, मतलब इन्हें मैं फोल्ड करूंगा सही से बढ़िया करके। सारी सामान है कुछ मैंने अभी किए हैं थोड़ी देर पहले, ऐसे बनाऊंगा। ये सामान देखो, ये सब सामान पूरा एकदम फैला पड़ा है। अलमारी दोनों भरी हुई है और पूरा किचन शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि किचन पूरा भरा हुआ है। ये सामान, ये सब छोटा मोटा सामान जो भी है सब कुछ गत्ते में मैं पैक कर दूंगा। अभी क्या करना है मानी, मैं गत्ते बना लेता हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ ये गत्ते बनाने, सबसे पहले तो इनका काम है क्योंकि तभी सामान आएगा। और हमें कल जाना है, अभी रात में अभी 6 बज गए और 6 बजे के से लेके अभी कम से कम 3-4 घंटा रहेगा मैं रूम को पूरा गत्तों के अंदर पैक करने में, ठीक है। तो अभी पहले मैं गत्ते बना लेता हूँ। तो गाइस फाइनली गत्ते हो गए तैयार और अब मैं जा रहा हूँ इन्हें लोड भरने। और ये जो पीछे गत्ते रखे हैं ये मैंने रात में ही तैयार कर लिए थे। ये देखिए ये गत्ते, अब ये दोनों गत्ते हम भरना स्टार्ट करेंगे, हम और कामिनी दोनों। ये इतना सामान पैक कर लिया है, ये 3 कार्टून है बड़े बड़े, और ये सामान इतना है। अलमारी खाली हो गई है एक पूरी, अभी एक अलमारी बची है, सामान पूरा हो गया। अभी मेरे दोस्त भी आ गए हैं, अभी मैं उन्हें आ रहा हूँ। भाई आ गए भाई, मेरे दोस्त आ जाओ भाई। तो भाई भाई तो भाई दोस्त आ गए हैं मेरे, अभी हम सामान पैक करेंगे। कामनी भी यहाँ पैक कर रही है, ये देखो ये कामनी किचन का काम संभाल रही है, हम अंदर कपड़ों का दुनियादारी। ये इधर डिब्बे उब्बे सारे पैक हो रहे हैं और अभी खाना भी बना है, दाल चावल एकदम मस्त तरीके से। दाल चावल बन गया, चलो दाल चावल बन गया तो मैं क्या करूं। अभी देखो दाल चावल बन के तैयार है, अभी जा रहे हैं हम लोग खाना खाने, उसके बाद में बनाते हैं। तो भाई हम लोग करने लगे हैं तैयारी, पूरा सामान अभी पैक हो जाएगा भाई थोड़ी देर में। अभी अलमारी में थोड़ा सामान बचा है तो मेरा भाई अभी लगभग कर रहा है, खोल रहा है, देखते हैं भाई पूरा भाई रखे तो मेहनत भाई कैडी वाली हो रही है आज, एकदम खतरनाक वाली। आज सामान पूरा उठ जाएगा एकदम, आज ही पहुंच जाएगा रात में ही, मजे आ जाएंगे भाई। तो एक जींस रहेगी यहाँ पे, जींस रखो भाई पहले, जींस तो बहुत जरूरी है। ये बजाई सब पैक हो गई है, पूरा एकदम बांध बूंद फिट कर दिया है, बस कार्टून को भी सजाया जा रहा है, इनमें फिट किया जा रहा है। इसको भी रखो, इनमें टेप मारे, चलो भाई इनमें सामान रखने के बाद में पूरा एकदम टेप मारे पैक कर दिया जाएगा। कुछ इस तरह पैक हो जाएगा पूरा सारा एकदम बढ़िया। और ये भी खोलना पड़ेगा क्योंकि मेरी बिटिया इसे देखती है, थोड़ा थोड़ा चलता रहता है तो इसे देखती है। तो अभी आज बिट्टू बेचारी नीचे है, हाँ बिटिया नीचे है, मम्मी पापा खाना छोड़ के चले गए हमारे, हम लोग लग रहे हैं यहाँ काम में, तो बिटिया को नीचे दिया ही काम नहीं ले। ये गिफ्ट दिया है मुझे प्रियांशी ने, बहुत ही प्यारा गिफ्ट है। तो मैं प्रियांशी को यही बोलना चाहूंगी, थैंक यू सो मच इतने प्यारे एक गिफ्ट के लिए। वाह,
दाल चावल वो भी ऐसे आप दो लोग निकले हैं इसे अभी निकल रहा है खाना हम लोग जा रहे हैं खाना खाने ये रोहित है ये है अलग है 11 तो गाइस खाना निकल गया रेडी और अब हम खा लेते हैं जल्दी से भूख लगी बहुत जोर से भाई खाना हो चुका खत्म और अभी रोहित देखो भाई कैसा है तो फैल गया इधर ये बैठे हैं अभी जेंटलमैन बन गए मस्त पेट भर गया पेट भाई मेरा भर गया अभी थोड़ा सा एक दो गत्ते बचे हैं तो इन्हें और पैक कर ले फिर बाकी भाई सुबह तो भाई सामान हो चुका है पैक पूरा सामान हो चुका है भाई पैक और अभी ये लोग जा रहे हैं घर पे तो अभी ये लोग बच के रहना भाई सबको छुट्टी से ठंडी बहुत ज्यादा हो रही है से जाना सुबह सुबह आना तो भाई जल्दी सो के उठ जाना तो जल्दी आएंगे जल्दी फिर चला जाएगा जा रहे भाई अभी लोग हम आ गए हैं बाहर क्योंकि तो मुझे भी भाई अपनी बाइक खड़ी कर देनी है अंदर और ये भी जा रहे हैं तो बाइक अभी निकालेगा अलग भी निकालो ठीक भाई लॉक लगा दिया फोन लगाएगा इसलिए आज मैं बना रहा हूँ क्योंकि आज भाई लास्ट डे है चाबी वरना मेरे पास ही रहती थी पता नहीं भाई किसके पास रहेगी मम्मी आ रही बाबू चलो सो जाते हैं हम दोनों तेरी मुझे नहीं सोना है सो जाते हैं बाबू है बाबू सो जाए चलो सो जाते हैं इसके फेस से रुमाल हट गया चलो सो जाते हैं भाई सो जाए क्या चलो सो जाते हैं ये क्या कह दिया मुझे नहीं शर अभी नहीं शर रहा है डूडू नहीं निकालना गिले 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 तो हेलो गाइस गुड मॉर्निंग आज है अगला दिन क्योंकि हमें रात में सामान पैक करते करते बहुत ज्यादा टाइम हो गया था और आज है 20 जनवरी क्योंकि आज मेरा बर्थडे भी है इसलिए अभी बस थोड़ा सा सामान बचा है पैक करने के लिए तब तक काम नहीं कर रही है बिटिया को तैयार एकदम तैयार कर चुकी है और अभी बस थोड़ा सामान ही बचा है यहाँ सब तैयार है ये सब किचन में थोड़ा सा बचा है और ये कूलर बचा रखने के लिए तो अभी करते हैं इसको तैयार सब पहले अभी कुछ खा पी लें तभी कुछ करवाएंगे गाइस बारिश होने लग गई यार बहुत ज्यादा तो अभी